हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, गूगल से कुछ दिनों से बहुत तरह का बैड न्यूज़ आ रहा है, तो फ्रेंड्स आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं गूगल ड्राइव में जो डॉक्यूमेंट्स आप रखते हैं उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आप बिन में भेज देते हैं उस बिन फोल्डर से वो आइटम ऑटोमेटिकली 30 डेज के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, चैनल में तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इस तरह का ही टेक रिलेटेड न्यूज़ आप सभी के लिए लाता हूँ। तो फ्रेंड्स गूगल का सर्विस में से गूगल ड्राइव एक बहुत ही बड़ा सर्विस है, जिस सर्विस के मदद से हम लोग ऑनलाइन कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग सेव रखते हैं, जैसा टैली का फाइल हम लोग सेव रखते हैं, तो इस तरह का बहुत तरह का फाइल हम लोग सेव रखते हैं गूगल ड्राइव में। मगर अभी कुछ टाइम से गूगल से ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि स्टोर कम होते जा रहा है, स्टोर हमको नहीं मिलेगा और ऑटो डिलीट का एक नया सिस्टम आया है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे, किस तरह से आप आपका इम्पोर्टेंट फाइल को बचा सकते हैं डिलीट होने में। तो फ्रेंड्स ये जो सिस्टम यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑटोमेटिकली 30 डेज के अंदर आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। जिस तरह से मान लीजिए कोई भी एक फाइल हम लोगों का अभी इम्पोर्टेड लग रहा है, तो इसको हम अभी डिलीट कर बिन में रखेंगे, तो हम अभी इसको मूव कर रहे हैं बिन में या हम डिलीट कर दे रहे हैं इसको, रिमूव कर रहे हैं। तो जब भी हम रिमूव कर रहे हैं ये फाइल बिन में चला जा रहा है। तो देखिए बिन में ये फाइल चला जा रहा है, तो बिन में आपका जितना फाइल है वो फाइल 30 डेज के अंदर डिलीट हो जाएगा। ये ऊपर में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है, अगर आपके सामने मेंशन नहीं है तो गूगल ड्राइव को एक बार अपडेट करिए प्ले स्टोर से। अपडेट करने के बाद आपके सामने जरूर शो हो जाएगा, अगर नहीं भी आप अपडेट आप करते हैं तो भी आपका डेटा 30 दिन के अंदर डेटा डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे बचने के लिए आपको फाइनली जो करना होगा, आपका पहले जो स्टोरेज उसको चेक करना होगा कि आपका स्टोरेज कितना है, 15 GB के अंदर कितना डेटा यूजिंग है और कितना बचा है, और बिन फाइल में आप कौन कौन फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन फाइल को बिन फोल्डर में भेज दे रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान में देना होगा। नहीं तो आपको 30 डेज के अंदर जब डेटा डिलीट हो जाएगा तब बहुत ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा गूगल की तरफ से बहुत ही बड़ा न्यूज़ है कि ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट हो जाएगा। गूगल फोटो से भी सेम सिस्टम है, अगर आपका डेटा 15 GB से ओवर हो जाता है तो कोई भी फोटो आप खींचते हैं तो उसका फोटो वहाँ पे अपलोड नहीं होगा, वो डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा जरूर हमको कमेंट में बताइए, और इसमें कुछ जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट करिए जरूर, हम आपका क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो।